हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. ये मेरा नॉर्मल मेकअप था, आप इसे एंगेजमेंट के लिए भी दे सकते हो. गाइस, CTM जो होता है ना, वो हमारी स्किन को एक लेयर प्रिपेयर करने के लिए होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, वो आपकी स्किन पे हार्म नहीं हो. तो इसलिए एक प्रोटेक्शन हो जाती है स्किन की, तो इसलिए हम CTM करते हैं. तो CTM मेरा की फुल फॉर्म है क्लींजर टोनर मॉइस्चराइज़र. तो क्लींजर था सेटाफिल का और टोनर की जगह हमने यूज़ करा था मिस्ट लवर्थ का, जैस्मिन का. और उसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक का मॉइस्चराइज़र. तो आप ये जो स्किन प्रोटेक्ट करनी होती है हमें, तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है CTM का. तो आप जब भी अगर अपना मेकअप कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, और ज़रूर करें, ट्राई नहीं, आप ज़रूर करें. और उसके बाद में हम कर रहे हैं आईब्रो डिफाइन करी. आईब्रो डिफाइन के बाद में हमने कंसीलर लिया था. कंसीलर के बाद में हमने वो पाउडर बेस से कंट्रोल कर लिया, लॉक कर लिया. अब लॉक करने के बाद में आते हैं आईज़ मेकअप की तरफ. तो आईज़ मेकअप मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा लाइट है, बहुत अच्छे से है. और मैं कट क्रीज आईज़ दे रही हूँ पर विदाउट कंसीलर. एक होता है कंसीलर से हम कट क्रीज देते हैं, पर हम विदाउट कंसीलर आप कट क्रीज किस तरह से दे सकते हैं, तो मैं वो दे रही हूँ. तो हमने एक लाइट सा शेड लिया था ब्राउन कलर का, और उससे हमने एक लाइन क्रिएट कर ली थी आपके मिड में. एक हेलो आईज़ मेकअप के लिए जो हम देते हैं ना, उस तरह से हमने एक लाइन क्रिएट करी थी. और हल्का सा डार्क कलर लेके हमने वहीं ब्लेंड करा था. और आप जब भी यूज़ करेंगे तो लाइट टू डार्क की तरफ जाएंगे. तो फर्स्ट जब भी आप आईज़ मेकअप स्टार्ट करें तो लाइट कलर से ही स्टार्ट करें. और ब्लेंडिंग इतनी अच्छी हो गाइस कि वो ब्लेंड ना एक लाइन क्रिएट ना हो, और अच्छे से आपको दिखाई दे कि हाँ कुछ आईज़ मेकअप हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है. तो आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस, तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को. तो हम सिर्फ बैक से ले रहे हैं, और बैक लेने के बाद में हमने थोड़ा डार्क कलर लिया था. ये है हमारा सिमरी. अब विदाउट कंसीलर हम कट क्रीज दे रहे हैं. तो ये जब तक आप ये सूखता नहीं, आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि वो आईज़ ओपन ना करें. अगर आप खुद के मेकअप कर रहे हैं तब भी आप आईज़ ओपन ना करें समथिंग 1 मिनट के लिए ना, जब तक आपका आईज़ ना हो जाए. ये मेरा स्विस ब्यूटी का और एक रेडिस में ही रेडिस और गोल्डन मिक्स था, वो सिमरी था. और ब्रांड भी स्विस ब्यूटी है और काफ़ी अच्छा था. तो ये आप इंगेजमेंट के लिए भी दे सकते हैं. इनके ड्रेस गाउन में ना गोल्डन भी वर्क आ रहा था, तो इसलिए मैंने गोल्डन सिमरी दिया. अगर आप गोल्डन नहीं आ रहा है, रेड है, तो आप न्यूड मेकअप भी दे सकते हैं विदाउट सिमरी. तो और जब भी आप सिमरी लगाने के बाद में ना पीछे से मैट कलर लेके उसे ब्लेंड ज़रूर करें, तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएं. ये छोटे छोटे टिप्स ना बहुत ज़रूरी होते हैं मेकअप के लिए, कि आप ऐसे नहीं है कि सिमरी लगाए और आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है. आपको जो भी आप आई शेडो पैलेट से कलर ले रहे हैं, जो भी यूज़ करा है, उसे ब्लेंड बहुत अच्छे से करें, जिससे कि दोनों कलर मिक्स मैच हो जाएँ अच्छे से. देखिएगा कि मैंने कितने अच्छे से दोनों कलर मिक्स मैच हो गए, और अच्छे से आपको आईज़ दिखाई दे रही होगी कि हाँ ये कट क्रीज आईज़ है और विदाउट कंसीलर. ये मैंने विदाउट कंसीलर बताया. और इसके बाद में हम हाईलाइट कर रहे हैं अपने आईब्रो के नीचे वाले कॉर्नर को, जिससे कि हमारी आईज़ और ब्रॉड लगें. इसीलिए हम हाईलाइट देते हैं, जिससे कि आईज़ ब्रॉड लगती हैं. जहाँ हमें हाईलाइट पॉइंट दिया जाता है ना, वो ब्रॉड करने के लिए ही दिया जाता है. इसके बाद में हम आज यूज़ कर रहे हैं HD का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं पहले, और प्राइमर के यूज़ करने के बाद में आज हम कंसीलर चेंज यूज़ कर रहे हैं. और प्राइमर लगाने के बाद में आप 1 से 2 मिनट आप वेट करेंगे, एक साथ ही प्रोडक्ट नहीं लगा देंगे तो मेकअप में फिनिशिंग नहीं आएगी. जब भी आप मेकअप करें तो प्राइमर के बाद में 1 या 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करें, वरना मेकअप में कोई ग्लो नहीं आएगा, वो फटाफटा ईचिंग वाला मेकअप रहेगा. मैं एलेग्रे का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का, और आज मैं विदाउट ब्यूटी ब्लेंडर उसे डैप करूँगी. सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे उनके लग रहा था, सिर्फ मैं आज फिंगर से डैप कर रही हूँ विदाउट ब्यूटी ब्लेंडर. अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हैं ना, तो प्रोडक्ट ज़्यादातर जो है हमें ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है. तो आप जब भी कोई चीज़ हाइड करें तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो यहाँ मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ. और उसके बाद में हमने जो कलर लिया है ना, साथ ही मेरा मानना ये है कि आप कभी भी उन्हें वाइट बेस इतना ना लगाएं कि वो अलग ही वाइट लगें, उनके कलर करेक्टर के अकॉर्डिंग ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा. यहाँ ले रहे हैं हम FS 28 का लिया है हमने,
और मैंने आज सब कुछ उनके ऊपर करा है कि हमने कंटूर भी दिया है, उनके हाईलाइट पॉइंट भी दिए हैं। तो पहले मैंने एक बेस कंप्लीट कर लिया था, वो था FS22 क्रैलोन का, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उनकी कलर में ना फिनिशिंग आ रही है। और प्रॉपर आज बहुत कुछ सीखेंगे आप मेरे से कि कंटूर कहाँ करना है एक लाइट मेकअप के लिए, डार्क मेकअप ना करें। तो मैं ब्रॉन्ज़र की जगह आज मैं कंटूर यूज़ कर रही हूँ, बाद में ब्रॉन्ज़र यूज़ करूँगी, तो साथ के साथ आपको कंटूर का भी पता चलेगा कि कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से आपको डैप करना है, अच्छे से वीडियो वाइज मेरी फास्ट होगी वरना बहुत लेंथी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ होने के बाद में हमने यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे लॉरियल का फाउंडेशन सीड नंबर गोल्ड, और ये फाउंडेशन भी ना मेरे को सब फाउंडेशन में बेस्ट फाउंडेशन लगता है, जो इसकी शाइन है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो फाउंडेशन ये हम लॉन्ग लास्टिंग मेकअप दे रहे हैं, तो इससे जो है थोड़ा सा जो इनका बेस है और ज़्यादा कवर हो जाएगा कि ये और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और अच्छे से आप हल्का हल्का लेके पूरे फेस पर डैप करेंगे और बहुत अच्छे से डैप करेंगे। यहाँ देख सकते हो मेरा डैप हो चुका है बहुत अच्छे से, और उनकी कितनी फिनिशिंग दिखाई दे रही है ना फेस में। और आज आईज़ मेकअप भी उनका बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद में हम हाईलाइट पॉइंट कर रहे हैं विदाउट कंसीलर, बेस से ही हाईलाइट पॉइंट कर रहे हैं। और हाईलाइट पॉइंट के लिए जो मैंने लिया है वो है FS22 लेंगे आप, और उसके हेल्प से ही आप उनका बेस जो हाइलाइटर पॉइंट है वो कंप्लीट करेंगे। और जहाँ भी आपने हाईलाइट पॉइंट के लिए प्रोडक्ट लगाया है आप वहीं वहीं ब्लेंड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आप ब्लेंड करेंगे, जहाँ प्रोडक्ट है वहीं वहीं ब्लेंड करेंगे। तो हाईलाइट का मतलब तभी रहेगा जब अगर वहीं आप ब्लेंड कर रहे हो, तो अगर आप पूरे में उसे फैला देते हो तो फिर हाईलाइट का कोई मतलब नहीं रहा। तो हाईलाइट पॉइंट का होता है कि जहाँ आप लगा रहे हो वहीं ब्लेंड करो। ये ले लिया मैंने, क्रैलोन से ही लिया है मैंने, और क्रैलोन से ही मैंने इनका कंटूर कराया एक डार्क शेड से। आप कोई भी डार्क शेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ वही लें, आप एक डार्क शेड ले सकते हैं। और जब भी आप आइज़ के नीचे ही, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप जब भी आइज़ के नीचे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करें तो पहले ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लें। और गाइज एक और चीज़ मैं यहाँ बताने वाली हूँ, एक होता है लूज़ पाउडर और एक होता है ये पाउडर होता है हमारा मैट वाला। तो लूज़ पाउडर से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसे फिनिशिंग ज़्यादा आती है। अगर अपने मेकअप को आप लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें। यहाँ मैं ले रही थी मेबलिन का आइब्रेरी शेड, उसके बाद में देखिएगा हमने ब्रॉन्ज़र यूज़ करा है, ब्रॉन्ज़र भी मैंने मेबलिन का ही यूज़ करा है। हल्का सा मैंने नोजी शार्प करा था, उनका वैसे नोजी की इतनी नीड नहीं थी, पर मैं आप लोग को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से मैं दिखा रही हूँ। और मैंने ज़्यादा भी जो ब्लशर लिया है वो मैंने ज़्यादा नहीं करा था, बहुत लाइट ही सेड करा था, कम लगाया था। और आप ब्लशर ज़्यादा ना ही यूज़ करें, लाइट में रखें तो बहुत ज़्यादा है। वैसे अब ये जो हमारा प्रोडक्ट जो भी हम लगाते हैं ना, वो एक घंटे में हमारा मेकअप ब्लेंड होता है, तो सारा ना मिक्स मैच हो जाता है, वो कम हो जाता है प्रोडक्ट और कम दिखाई देने लगता है। अगर एक घंटे बाद अगर आप अपने मेकअप को देख रहे हो तो समथिंग 1 आवर्स लगते हैं मेकअप को सेट होने के लिए। इसीलिए हम ब्राइडल को या मेकअप कराने के लिए पहले बुलाते हैं, क्योंकि आप साथ के साथ प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो ज़्यादा बोल्ड दिखाई देते हैं, पर एक घंटे के बाद वो सब कुछ फेस पे मिनिमाइज़ हो जाता है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं आज कलर बार का हाईलाइटर, और लूज़ हाईलाइटर है और बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, गोल्डन सीड हाईलाइटर है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। और पता है लिप्स को हम क्यों हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जो लिप्स की लिपस्टिक की शेप जो आती है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो हमेशा आप जो जो मैं बता रही हूँ आपको वो आप अच्छे से करें और बहुत अच्छे से मतलब आपका हो पाएगा। जो भी आप करते हो ना काम वो शिद्दत से करो, लगन से करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप पक्का कामयाब होगे, और ये मेरी गारंटी है कि आप कामयाब होगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। यहाँ मैं मेवलिन का ले रही हूँ लाइनर, और लाइनर मेरा लॉन्ग लास्टिंग है और जल्दी से स्टे हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता कि हम आईज़ ओपन कराएं या नहीं कराएं। तो मेबलिन भी मेबलिन का जो लाइनर है वो बहुत अच्छा है, और मैं दे रही हूँ उनको विंक लाइनर, और उनके ऊपर बड़ा ही छजरा था मेकअप। आप कमेंट डाउन करके भी यार ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा लगा यार, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा आप मेरी वीडियो को। और यहाँ लिपस्टिक का शेड मैं दे रही थी रेड, क्योंकि उनकी चॉइस थी रेड लेने की कि पूरा मुझे रेडिस लेना है, तो रेड भी उनके ऊपर बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप जब भी मेकअप करें तो क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि उनका टेस्ट क्या है, उनके टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। तो आपको बार बार जो है उन्हें दिखाना नहीं पड़ेगा, टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि नहीं उन्हें चाहिए क्या और उन्हें किस तरह का मेकअप चाहिए।
तो यहाँ मैं आईलैसिस कैरी कर रही हूँ और आईलैसिस के बाद में तो मेकअप में चार चांद लग ही जाते हैं गाइस। तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा और मेकअप कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ये मैंने नए सॉफ्ट कर्ल्स दिए थे, ओपन हेयर स्टाइल थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।